10 के बिना मनवीर हमारे साथ है। हेलो मनवीर, वेलकम टू इंडिया फोरम। राम राम जी, राम राम। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। फाइनली, और वो सभी इंडिया वालों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट और वोट किया है, थैंक यू सो मच। 105 दिनों की मेहनत फाइनली रंग लाई। 105 दिनों की मेहनत पहले दिन से स्टार्ट हुई थी और रंग लाई है, तो बहुत अच्छी बात है। और सबका प्यार और सबका आशीर्वाद मिला है, ये तो मेरे सरबत है। अच्छा, जब आप सलमान सर के साथ वहाँ खड़े हुए थे स्टेज पे, तो कितनी धक-धक हो रही थी? कौन जीतेगा? कॉन्फिडेंस था कि आप ही जीतोगे? मैम, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। पहला कॉन्फिडेंस तो मेरा नंबर 2 में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बानी जे के सामने खड़े रहना तो और बहुत बड़ी बात है, और अब उसको हरा के यहाँ पहुँचना तो पता नहीं कौन सी बड़ी वाली बात है मेरे लिए। तो मैंने जो किया है शायद मुझे वो मिल गया है। मुझे जो एक डर था फैन फॉलोइंग और सपोर्टर्स के बीच में, शायद मेरे सपोर्टर जीत गए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, बाहर तो नितिवा सबकी भाभी हो गई है, तो भैया का क्या कहना है? हे भगवान, अगर नितिवा सबकी भाभी हो गई है और मेरे सच्ची वाले भाई हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर वो मेरे भाई झूठे हैं तो भाभी भी झूठी हो जाएगी। अच्छा, जाके पता लगेगा। कितना मिस करेंगे M3 को? बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि सब अलग अलग है, एक जयपुर है, एक मुंबई है, तो मन्नू से तो मिलना होता रहेगा, मोनालिसा मुंबई है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम तीनों कनेक्टेड रहें, कुछ भी ऐसा काम है M3 से रिलेटेड जिससे हम तीनों जुड़े रहें और लोग हमारे बीच कम से कम बने रहें, कि लोग अभी भी साथ हैं। अच्छा, अभी खुद की पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस घर में रहकर? गुस्सा शांत हुआ है? मैम, ये आप सब लोग देख ही चुके होंगे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सबसे बड़ा काम तो यही है कि मैंने गुस्से को शांत किया, और तो सब ठीक है। और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, दिल से खेलते खेलते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और अभी आपके सामने विनर बन के खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है लोग दिल वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और तो सब बढ़िया है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बोला जाता था कि मनु एक फेस है और आप पीछे पीछे चल रहे हैं, और उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए और जीत गए। मैम, अगर ये सच्ची में दिख के लगता होगा तो मैं लोगों को फिर क्या गलत साबित करूँगा, लेकिन अगर आप अंदर की फीलिंग पूछो तो मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने दिल की हूँ। ऐसा भी नहीं है कोई बहुत अच्छा मुझसे बोलने वाला और समझदार बंदा है कि मुझे ना सुनूँ, तो तब तो मैं फिर कोई बंदा ही नहीं हूँ। और रही बात अकेले रहने की और किसी के साथ ना चलने की, तो यार बानी तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकता था। अकेला मैं रह सकता हूँ लेकिन जी नहीं सकता, उसके लिए मुझे बहुत लोगों की ज़रूरत है, और इसीलिए एक फैमिली की तरह सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। मन्नू और मैं बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, हर जगह से सिमिलर थे, कि उसके वन लाइनर, मेरे इधर कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, कुछ ये कुछ वो कुछ, तो हमने जो लाइफ जी है वो बहुत जर्नी बहुत ईजी होगी मन्नू के साथ। अब अगर लोगों को लगता है कि मैं किसी के पीछे आगे हूँ, तो फिर मैं तो मुझे लगेगा कि मैं तो विनर के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर बज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।